नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। चुनावड़ कस्बे के वार्ड नंबर 9 में पिछले 3-4 दिन से जलदाय विभाग की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से व्यर्थ में बहता पानी मकान की नींव में जाने से मकान के दरारें आ गई। वहीं गलियों में पानी से कीचड़ फैला हुआ, जिसे रागीर और आमजन परेशान हो रहे हैं। मोहलावासी सुखदेव कुमार, पृथ्वीराज, संदीप कुमार, मदन लाल वार्ड पंच का आरोप है कि जलदाय विभाग के कर्मचारी लीलाधर को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन वह अनसुनी कर रहा है। जबकि वार्डवासियों ने खड्डा भी खोद दिया है, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी अनसुनी और अनदेखी कर रहे हैं। वहीं मकान को आई दरारों के कारण मकान को नुकसान हो रहा है। मकान मालिक सुखदेव कुमार चाहर की जलदाय विभाग के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने पर मकान मालिक सुखदेव कुमार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर शिकायत दर्ज करवाई है। मोहल्लावासियों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक करने की मांग की है। वहीं जलदाय विभाग जेएन ज्योत्सना का कहना है कि क्षतिग्रस्त पाइप को शीघ्र दुरुस्त करवाकर राहत दिलवाई जाए। कस्बे के वार्ड नंबर 9 में वाटर वर्क्स विभाग की क्षतिग्रस्त पाइप से पानी निकलकर गलियों में फैला हुआ है, कीचड़ पसरा हुआ है, राहगीर परेशान हो रहे हैं और वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को इसे ठीक करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो अनसुनी कर रहे हैं, जिससे कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ जी सुदेव सिंह जी, आपने किसको कहा इसको ठीक कराने के लिए पाइप को? लीलाधर को। जलदाय विभाग के कर्मचारी लीलाधर को बोला है ठीक करने के लिए। कितने दिन हो गए इसको टूटी हुई को? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। ये क्षतिग्रस्त पाइप है, इससे पानी रिसीवर हो रहा है, पानी निकल रहा है और गलियों में फैल रहा है। 4-5 दिन हो गए कर्मचारी को बोले हुए और वो उन्होंने क्या आकर इसको देखा भी नहीं? आकर के देखा भी नहीं है। ठीक तो करना बहुत दूर की बात है, तो उनको प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गलियों में कीचड़ फैल रहा है और ये जो मकान है, मकान के बिल्कुल ही नींव के अंदर पानी घुस गया और इसकी दरारें आ चुकी हैं मकान की, और ये कभी भी हादसा हो सकता है। मकान को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ के जलदाय विभाग के कर्मचारी इस ओर बिल्कुल लापरवाह हैं, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।